भारत में अब 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए सैमसंग भी यहाँ पर दौड़ा चला आया है। दरअसल करेंटली अभी आपको बता दें कि सैमसंग फिलहाल तो हमारे देश में कुछ भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर ये चांस मिस कर दिया था पीएलआई स्कीम का, बट अब ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने भी अप्लाई कर डाला है। सैमसंग का क्लेम है कि अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं पीएलआई स्कीम के अंडर में, तो फिर ये लोग लोकली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का भारत के भीतर, 4G और 5G इक्विपमेंट्स। ऑलरेडी चाइना की जो कंपनी है ZTE, Huawei, उनको तो सीधा सीधा भारत का रास्ता दिखाई दिया है, और न केवल भारत बल्कि तमाम सारे ऐसे देशों में जैसे यूरोप फिर अमेरिका, इन्होंने भी सीधा इन्हें निकाल दिया है, बिकॉज काफी बार जासूसी करते हुए इन्हें पकड़ा गया है और देश की सेफ्टी के लिए ये जो कंपनीज है चाइना की कंपनी, एक काफी बड़ा सरदर्द बन के बैठ गई है। सो अब सैमसंग यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स जैसे सिस्को, जबील, फ्लेक्स और फॉक्सकॉन, इन्होंने ऑलरेडी जो पीएलआई स्कीम अप्लाई की है इनके साथ अब शामिल होना चाहता है, और इस पीएलआई स्कीम से हमारी लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी तो काफी तेजी से बूस्ट होगी ही, साथ ही में अब बीयर जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। 12,195 करोड़ रुपीस की ये पूरी टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली पीएलआई स्कीम है हमारी, और इसके तहत अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। जैसे आपको बता दें कि ये स्कीम भारत में इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है कि लाइकली है कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ 2.4 लाख करोड़ रुपीस हम लोग क्लॉक कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के भीतर, और वहीं एक्सपोर्ट की बात करें 2 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एक समय अभी जहां पर हम कुछ इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं अब आने वाले 5 सालों के भीतर हम तो सीधा 2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स करने लग जाएंगे। फर्दर इस स्कीम से एम्प्लॉयमेंट भी काफी तेजी से जनरेट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दुनिया भर की निकल कर आएगी। 3,000 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर सीधे सीधे होने वाला है। सो ओवरऑल एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। चाइना की Huawei और ZTE को तो अब यहाँ पर पूरी तरह से दुनिया ने खदेड़ दिया है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।